दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं जो किसी भी मोटर का जब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है तो किस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कूलर किट मोटर का मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो दोस्तों इसका कॉइल कैसे बनता है एक एक स्टेप जानेंगे बहुत ही बारीकी से। तो जैसा कि आपने देखा कि स्टैम्पिंग जो है हम एक मशीन में फंसा दिए हैं क्योंकि इसका स्टैम्पिंग बहुत पतला होता है, बाइंडिंग करने के क्रम में लुढ़कता रहता है। और ऐसे आपको एक से चार में फर्स्ट रिंग जो है उसे डाल लेना है, आगे वाला सिरा है वो नेक्स्ट रिंग से जो जुड़ा हुआ है और पीछे वाला जो है वो लूप के लिए वायर हो गया। इस प्रकार से एक से छः में आपको फटाफट डाल देना है। एक से चार में एक बार डलेगा और एक से छः में दो बार डलेगा। इस प्रकार से मेरा फर्स्ट रिंग जो है वो डल करके तैयार हो गया। बहुत ही ईजी है बाइंडिंग करना। अगर ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो समझ लीजिए बाइंडिंग का हीरो बन सकते हैं। अब चलिए हम सेकेंड रिंग डालने का तैयारी करते हैं और सेकेंड रिंग की तरफ बढ़ते हैं। एक से छः में कनेक्शन होगा दोस्तों, जैसे कि एक रिंग से दूसरा रिंग जो जुड़ा हुआ है उसका कनेक्शन जो होगा एक से छः में होगा। देख लीजिए इस प्रकार से आपको वायर सेकेंड रिंग डालना है। एक से चार में एक बार जैसे हमने फर्स्ट रिंग डाला था सेम उसी प्रकार से सेकेंड रिंग भी डलेगा। और एक से छः में फिर से एक बार पहले डाल देना है और उसके बाद फिर से घुमा करके और फिर से दोबारा डाल देना है। यू वाला जब कवर लगाते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक भी वायर छूटे नहीं, क्योंकि अगर एक भी वायर छूटेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा और कॉइल आपका जल जाएगा। इसके लिए एक एक स्टेप जाने और सीखे बहुत ही बारीकी से। देख लीजिए थर्ड सेकेंड रिंग भी डल करके तैयार हो गया और थर्ड रिंग हम डाल रहे हैं। सेम उसी प्रकार से डलेगा जैसे हमने फर्स्ट रिंग डाला है, सेकेंड रिंग डाला है, सेम उसी प्रकार से थर्ड रिंग भी डलेगा। कनेक्शन के बारे में भी हमने बता ही दिया आपको कि एक से छः में कनेक्शन होगा। चलिए अब रनिंग का जो लास्ट और आखिरी रिंग डालते हैं सेम उसी प्रकार से जैसे हमने फर्स्ट रिंग डाला है, एक से चार में एक बार। दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिएगा तो ही आपको ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि अगर वीडियो को कहीं से स्किप करते हैं तो आप थोड़ा भी मिसमाइंड होते हैं तो कॉइल आपका जल जाएगा, कॉइल बैकअप ढंग से नहीं करेगा तो आपके दिमाग में आएगा शायद हमने बाइंडिंग ठीक से नहीं किया। तो इसके लिए आप एक एक स्टेप बहुत ही बारीकी से देखें, क्योंकि हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ तरीका छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ तरीका बताया गया है। तो इस प्रकार से मेरा रनिंग कॉइल जो है वो डल करके तैयार हो गया। सेम इसी प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल भी डालना है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि हर एक आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो दोस्तों हम अब फटाफट आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग कॉइल डाल करके।
जल्दी खा के जल्दी।